हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मेहजबीन और मैं हूँ तमरीन और आज हम दोनों करने वाले हैं फिर से हॉन्टेड कॉल्स। हॉन्टेड कॉल्स कर करके हम थक चुके हैं, पर क्या करें, वो भूत जो है ना वो हमें बार बार बुलाते रहते हैं। हाँ, और वो चाहते हैं कि हम उनकी दुनिया में आ जाएं। और उनकी दुनिया में बता दूं कहाँ पर है, इस बालकनी के पीछे, यहाँ से खटपीट खटपीट आवाज आती है और वो यहाँ से उठा के हमें ले जाते हैं। तो चलो बकवास बंद करते हैं और हम लगाते हैं अपना पहला कॉल। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी, आप लोग भूल जाते हो ना, लाइक कर दो पहले। तो गाइज, अभी जो हमारा फर्स्ट नंबर है ना वो बहुत ही अजीब सा है और नंबर है 2484345508। और इस नंबर की कहानी ये है कि इस एक घर में माँ बेटी मतलब फैमिली रहती थी, पर उसका जो मम्मी थी वो उसका हस्बैंड नहीं था और जो बेटी थी वो स्टेप डॉटर थी उस औरत की। तो उस औरत ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया बहुत ही बेरहमी से। हाँ, और फिर उस औरत ने खुद ही सुसाइड कर लिया। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि वो जो स्टेप डॉटर थी उसको उसकी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि कैसे भी मर जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, और उसने खुद भी सुसाइड कर लिया और आज तक वो घर बंद है। तो चलो इस नंबर पे हम कॉल करते हैं। यार, तो वो भूत के पास मतलब वो कौन भूत बना, माँ या बेटी? ये नंबर उसी घर का है, तो चलो देखते हैं कि ये नंबर लगता है या नहीं। और आज तक वो घर तब से बंद है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ले। ये इस चीज से मुझे बहुत नफरत है। अमान्य कैसे हो सकता है? चलो मैं अपने फोन से करके देखती हूँ। हाँ। इस पे क्या लिखा हुआ? महाराष्ट्र, दूर महाराष्ट्र। अमान्य क्या कोई ऐसी जगह है महाराष्ट्र में? पर्तूर क्या बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ले। द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड। अब की बार ऐसा दिखाई है कुछ आवाज नहीं है, इनवैलिड आ रहा है, पर मैंने इसमें 91 लगा के किया था। अब मैं 91 हटा के कर रही हूँ। फेल्ड यार, ये कुछ देर तक ऐसे ही था और ये फेल्ड हो गया अपने आप। से पहले आ रहा था कि डायल किया हुआ नंबर आ नहीं रहा है और अभी देखो फेल्ड हो गया। भाई क्या है ये? और ये थोड़ी देर तक शांति में था ये नंबर। मेरे पास से कॉल नहीं लगी, इनवैलिड से करेंगे हम। और अमान्य यार, तो गाइस ये वाला नंबर तो फेल होता है, मुझे नहीं पता ये काम नहीं कर रहा कभी, मतलब ऐसा फेल्ड हो रहा है, कभी साइलेंट पे है, कभी कुछ है। तो ये है तो हॉन्टेड नंबर ही मुझे लग रहा है, तभी इतनी अजीब अजीब सी चीज हो रही है इसमें। चलो हम सेकंड नंबर ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम जिस नंबर पे कॉल करने वाले हैं वो नंबर है 8453549912। और इस नंबर की कहानी है कि इस नंबर पे जो भी इसको कॉल करेगा वहाँ पे एक सोल है जो कि बहुत ही गहरी नींद में सोता रहता है, और जो भी इस नंबर पे कॉल करेगा तो इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने उसको डिस्टर्ब किया है, उसकी नींद खराब हुई है। और वो फोन उठाएगा और वो फोन जिस जो भी बात करेगा वो उसको मतलब वो भूत उसको मार देगा, उसकी लाइफ खराब कर देगा उसके साथ। उस टाइम से जो गलत होना शुरू होगा वो जब तक उसकी जान नहीं ले लेगा तब तक, मतलब बोलते ना कि मौत से भी बदतर जो हालत बना देते हैं तब मारेगा, तब ऐसा कर देगा उसको, क्योंकि उसकी नींद खराब हुई है। मतलब कि इतनी छोटी बात है लेकिन भूत के लिए बहुत वो है कि नींद उसकी वो खराब किया उसको। शायद वो कुंभकर्ण टाइप है कि वो सोता रहता है। पता नहीं भैया, अजीब ही जाए नंबर, पता नहीं उन लोगों के पास किसने दे दिया है, फोन चलाते आज के किसने सिम दे दिया है उनको। मुझे तो हंसी भी आती है कभी कभी। क्या आपको ऐसा लगता है कि भूतों के पास भी फोन होगा? गाइस मैं वैसे बिलीव नहीं करती हूँ सब चीजों। मैं भी बिलीव नहीं करती, पर हमें फिर भी अंदर से बहुत डर लगता है। डर ऐसे लगता है लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। गाइस मुझे नहीं लगता ये भी नंबर लगेगा। আপুনি ডায়েল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে বা এই মুহূৰ্তত উপলব্ধ নাই। অনুগ্ৰহ কৰি কিছু সময় পিছত साइलेंट था, फिर टू टू, फिर क्या कर दिया मोबाइल। ओ भाई डर लग रहा है सही में यार, ये किसका नंबर था? कॉल लगी हुई है, किसी और से बात कर। अपनी डायल करा नंबर टू वर्तमान व्यस्त हो। नंबर बोलना है, कोलकाता है। नंबर क्या है? किसी समय पिसत पुनर चेष्टा करक। आपके द्वारा डायल
ओ भाई इंडिया से ये नंबर तो लिखा आ रहा है यार। बहुत अजीब ये है अगर आप भी यार। ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको हम पे वो हो रहा है कि हम वो कर रहे हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हो जो आपको नंबर अभी हमने बताया। ऑलरेडी कोई इसका दिमाग खराब कर रहा है भूत का। हम भी कतार में। नहीं उठा यार, उठा, हिम्मत है तो बोल, बोल ना, हिम्मत है तो। अपनी डायल करा नंबर टू बर्तमान व्यस्त हो আছে অথবা बात करा भूत से। गाइस इस नंबर ने दिमाग हिला दिया सच में। तो अब हम कॉल करने वाले हैं अपने थर्ड नंबर पे 1603-413-4124। तो ये कहानी जो है बहुत मुझे वो हो रहा है बताने में, डर सा लग रहा है थोड़ा। मैं बताती हूँ। तो ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की जिसका नाम है स्टीव, और वो एक गांव में रहते थे और वो एक मैजिशियन थे, और गांव वालों ने मिलकर उसको उस गांव से निकाल दिया बहुत ही मतलब धक्के वक्के मार कर कि हटो निकलो हाँ। तुम हमारे गांव में नहीं रहते थे, क्योंकि उसको जादूगर समझते थे कि वो हमारे बच्चे पे ना कोई नुकसान कर दे। पर वो अच्छा आदमी था हाँ। वो कोई नुकसान नहीं करता था हाँ। गांव में। पर जब उसको गांव से निकाल दिया तो उसका तो, गुस्सा भड़क हाँ। गया, मतलब बहुत ही हो गया कि गांव से कैसे निकाल दिया उसकी। उसके बाद बहुत उसके पास रहने वहने की तो जगह नहीं थी, फिर वो रहने उस लगा गांव को श्राप देकर गया था कि कोई खुश नहीं रहेगा। और तब से मतलब उसका ये माना जाता है कि मतलब वो गांव भी तो तबाह हो चुका पूरा, लेकिन उसके बाद से वो ऐसा ही हो गया। मतलब वो हर किसी को श्राप देता है, उसके पास अगर हम कॉल भी करेंगे या कुछ भी होगा वो श्राप श्राप ही देगा आपको। तो ये अगर उसने कॉल उठा लिया ना तो वो हमें श्राप देगा, मतलब हाँ। वो हमसे हमारा नाम पूछेगा हाँ। सब कुछ पूछेगा, पूछेगा कहाँ हम रहते वो पूछेगा हाँ। और हमें क्योंकि श्राप देगा। उसको पता है कि हम क्यों कॉल कर रहे हैं, हमें स्टोरी पता है उसके बारे में, तो वो इसलिए हमें भी श्राप देगा। है? अच्छा डर गई मैं। तो चलो गाइस ये नंबर हम ट्राई करते हैं और देखते हैं। ये मुझे ऐसा पता नहीं नंबर से देख के लग रहा है कि ये कॉल नहीं लगेगी ना। कॉल फेल्ड हो गया। कैसी आवाज आ रही थी यार, ना रिंग हुई ना कुछ हुआ। रिंग नहीं कि कॉल चल कैसे रख सकती है। कॉल बैक क्यों नहीं हो रहा। हो देखो देखो भैया। ओ भाई एक कॉल बैक का भी नंबर नहीं हो रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टेट्स मिलना सब भैया। भूत आ गया इसके अंदर, श्राप है ये कि तू मुझे मारती रहेगी जिंदगी भर। थप्पड़ भूत है, थप्पड़ भूत। गाइस इसके अंदर भूत इसको मार रहा है। गाइस इसको कॉल जिसको हमने कॉल की थी वो भूत इसको थप्पड़ मार रहा है। अपने आप बोला कि फेवरेट में कांटेक्ट है करने के लिए इस नंबर को। फेवरेट तो बिल्कुल नहीं है। चलो हम फिर से कॉल करेंगे हिम्मत करके। ये पकड़ क्या हो? कैसी कैसी आवाज आ रही थी। उठ क्या हटो तुम यहाँ से सारा। बुढ़ा बुढ़ा मजाक मत करो यार, पैर इधर के बैठने दे, पैर ना काट के ले जाए। फिर से ट्राई करेंगे। चुप यार, हंसो नहीं। हेलो हेलो अंकल बोल। अंकल अंकल नमस्ते। चलो काम की बात करते हैं। अंकल आपको किसने श्राप दिया था? अंकल कौन से गांव से निकल गए थे? मैं आपको इंसाफ दूंगी। मैं दे दूं। अब यार कैसी आवाज यार, क्या हो रहा है? मुझे बताओ कि ये रिंग नहीं हो रही है, पर जो भी आवाज होती है कटन पिकल वाली ये कैसे वो आ रही है? अल्लाह अल्लाह मुझे यहाँ पर सबको किसी की शायद होती की यहाँ पर किसी की परछाई थी। ऐसे 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 सच में ऐसे लगा कोई इधर से गया। अभी सच में लगा कि इधर से कोई गुजरा है कैमरे के पीछे से। अल्लाह गाइस ये बोली इसको भी लगा उधर ही जा, उधर ही की साइड गया था। भाई मेरे से नहीं हो पाएगा ये हॉन्टेड कॉलर, आज के बाद से मैं करूंगी भी नहीं कभी हॉन्टेड कॉल यार कुछ भी। गाइस मैं आपको एक अपना हॉन्टेड वो बताना चाहती हूँ एक्सपीरियंस। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास कॉल आई और उस कॉल पे एक बंदा जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, और सिर्फ रो रहा था, ना कोई कुछ बोल रहा ना लेकिन कुछ। वो कॉल इंडिया से ही थी। कॉल इंडिया से ही थी और बहुत रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था, चिल्ला के। एक आदमी कैसे रोता, आदमी का रोना तो इतना अजीब लगता मुझे। और आदमी मतलब ये भी सो रही थी इसने मैंने भी लेकिन सुन लिया था हाँ। मतलब कान पे लगा रखा। मैं हेलो हेलो बोल रही, हेलो हेलो, मैं परेशान हो रही की भाई किसका नंबर है, कोई हमारे घर से ही तो नहीं है जो कुछ परेशानी हो गई और कुछ हो रहा हो। मैं हेलो हेलो कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। कॉल किसी और ने की थी, पीछे से आवाज किसी और की रोने की आ रही थी, बहुत ज्यादा रोने की। मुझे तो हॉन्टेड नंबर लगा था, वो था पता नहीं केरल वेरल की तरफ से था, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। तो गाइस अभी जो हम ये कॉल करने वाले हैं वो कॉल करने वाले हैं हम एक पोएट को जो कि वो मर चुका है, और उस इस नंबर पे जो भी उसको कॉल करेगा वो उसको एक
हॉरर पोएम सुनाएगा, जो समझ में नहीं आ रहा हॉरर पोएम कैसा होता है, मतलब कि तुझे मैं पंखे पे उठाकर, हाँ मतलब इस टाइप का हमारी लाइफ से रिलेटेड वो सुनाएगा। तो चलो कॉल करते हैं पंखे पे उठा। द्वारा अनुरोध की गई सेवा इस समय उपलब्ध नहीं है। The service you have requested is unavailable at the moment. San Diego, CA, United States. भाई बे यार, कोई नंबर किसी से बात ही नहीं हो पा रही। बड़ा इंटरेस्ट है भूत से बात करने में। कोई उठाए तो तभी तो मजा आएगा। एक काम करो, अपने नंबर पे कॉल कर लो, हो जाएगी 100 कॉल। गाइस अभी जो हम कॉल करने वाले हैं वो है 6054756961 और ये भी शायद यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है। तो इसमें जो है हम एक हॉन्टेड कॉलेज में फ़ोन करने वाले हैं, जो कि बहुत सा मतलब ये ना एक वैसा भूतिया कॉलेज है जैसे अभी सीरीज आई थी वेंसडे और हैरी पॉटर, ऐसे टाइप का जादूगर कॉलेज है ये। और यहाँ कॉल करने पे ये आपकी डिटेल मांगेंगे या फिर कुछ भी मांगेंगे, जिससे ये आपको अपने उसमें ले लेंगे, मतलब कॉलेज में आपके एडमिशन करने के लिए वो आपके पास ले लेंगे। तो पता नहीं है कैसा है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तो तुम तो उसमें जा सकती हो, जाना भी चाहती हो। तो चलो देखते हैं, ये एक अलग ही दुनिया होती है और ये ऐसा असली में होता भी है क्या। चलो देखते हैं, पहले तो हमारा तो सारा नंबर अमान्य ही जाता है। चलो कॉल करते हैं। Welcome to the conference call. Please enter your access code or PIN followed by the pound sign. Guys, सच में कट करो। ओ भाई देखो मेरा बैलेंस भी गया है। भैया आपने देखा ये नंबर लगा है यार, ये तो पूरा बात हो रही। और ये हमसे एक्सेस कोड मांग रहा था किसी चीज का, ओ समझ में नहीं आ रहा किस चीज का। हाँ, बोल रहा था। मुझे लग रहा है ये वही एडमिशन के लिए। अल्लाह, और तो और 35 सेकंड से ज्यादा हमारी बात हुई है इस पे। और मेरा बैलेंस भी गया है और ये रियल नंबर है। तो ये मतलब मेरा एडमिशन मतलब बता तुम्हारा मतलब मैंने कोड जितना भी डाला 1234 कुछ भी डालते कि तो वो कह रही रॉन्ग, आपका ये नहीं है। मैं फिर से कॉल करने जा रही हूँ उसको। यार ऐसा होता है क्या, सच में डरावना है ये। हाँ अभी तो लगी थी, अभी लग गया। एक मिनट मेरे हाथ से दो। मुझे लगता है कि है ना ये जो ऑफिशियली जो जिनको एडमिशन चाहिए होता ना उनके पास कोई कोड वोड जाता है। मुझे नहीं पता इनका कुछ होगा किसी से रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बेवकूफ़ लग रही हूँ ऐसी बातें करती हुई, पता नहीं यार। हमने तो ऐसे ही कॉल किया था ना, मुझे ऐसा लगा कि इस बार जो हमने हॉन्टेड कॉल्स किए ना उसमें बहुत सारे नंबर ऐसे जिसमें काम हुआ है, मतलब किसी से बात तो नहीं हुई पर वो काम वो नंबर चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो अजीब चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग बताना कि आपको कौन सा वाला नंबर सबसे ज्यादा डरावना लगा है और क्या आप लोगों को भूतों से डर लगता है, ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये हॉन्टेड कॉल वाली कहानी और अब बस डर लग रहा है इसलिए मैं नहीं करना चाहती और इसकी तो भाई हालत खराब हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम दोनों को जरूर फॉलो करना आप लोग इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।